अस्सलाम वालेकुम। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हेलो, जी सर। अच्छा, सो वेलकम बैक फ्रॉम ईद हॉलीडेज। सो वी नीड टू स्टार्ट लेक्चर 20 एंड आई होप आई स्टार्टेड दिस रिकॉर्डिंग इज वेल। यस, सो वी कंटिन्यू विद दोज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड दिस विल बी इजी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हैव ऑलरेडी बीन टॉट टू यू, सो इट्स यू शुड सी दिस ओनली एज अ प्रैक्टिस। सो इफ आई रीड दिस नाउ, यू हैव अ पेंडुलम that consists of a concentrated mass. Yeah, this is what is meant by the concentrated mass, MC, sea of concentrated. You also call it a blob, the blob, sorry, the bob. A distance LC from the point O. So point O, ye hai aapka, jo pivot hai. You see, this is the length we are talking about, LC, okay? Attached to a rod of length LR. सो जो रॉड है उसका लेंथ एल आर है। सो यू सी दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एल आर एंड एल सी, व्हिच सिंपली मीन्स दैट दिस इज ऑल्दो यू से कॉन्सेंट्रेटेड बट इट्स नॉट अ पॉइंट मास, इट स्टिल हैज सम डायमेंशंस अदर, दैट इज द रीजन व्हाई एल सी एंड एल आर दे आर डिफरेंट। ओके, सो एन एनर्शिया आई आर जी। ओके, सो ये आई आर जी किस चीज का इनर्शिया है अबाउट, ये बताएं अगर इफ यू वॉन्ट टू रीड दिस आई आर जी इनर्शिया अबाउट इट्स मास सेंटर। ये मास सेंटर कौन सा है, ये अगर कोई मुझे बता सकता है, ये इस डायग्राम में कौन सा पॉइंट है आपके ख्याल में? आई जस्ट वॉन्ट टू सी वेदर यू कैन रीड दिस क्वेश्चन एंड हाउ यू अंडरस्टैंड इट। सो विच पॉइंट इज ही रिफरिंग टू बाई दिस मास सेंटर? शाबाश। सर पॉइंट जी। पॉइंट जी, अच्छा, तो पॉइंट जी किस चीज का सेंटर ऑफ मास है आपके ख्याल में? देखो ना, यहां पे देखो ना, इट्स लिखा हुआ है। इट्स का क्या मतलब है कि इस सेंटेंस में कौन सी चीज जेर बहस है? रॉड। तो रॉड का सेंटर जी है आपके ख्याल में? नो सर, इट्स नॉट जी। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि दिस सेंटर इज द सेंटर ऑफ द रॉड एंड दैट इज मिडवे बिटवीन ओ एंड दिस। सो ये जो है ना आपका, अगर आप इस डायग्राम में देखें, इसने इसको सीधा किया हुआ है। सो दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, एल आर बाई टू। समझ आ गई बात? एल आर इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड यू आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वी अस्यूम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द रॉड। ठीक है, सो दिस इज दैट हाफ वे और मिड वे। ऑब्टेन इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हाउ डू वी स्टार्ट? सो आप स्टार्ट कैसे करेंगे बताएं? द फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज टू हैव आवर फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना, इस पे हम बाद में आ जाते हैं, वी डोंट नीड दिस एट दिस पॉइंट। ठीक है, सो जस्ट लुक एट दिस, दैट यू हैव द पिवट पॉइंट और जी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओवरऑल बॉडी, जिसमें एम सी और एम आर शामिल है। ठीक है, एम आर इज द मास ऑफ द रॉड, एम सी इज द मास ऑफ द बॉब एंड जी इज द सेंटर ऑफ मास। और तो दिस एम एक्चुअली, इफ यू सी दिस, that m is mr plus mc, the total mass. So the total mass is concentrated at g. So this is your weight and up is called usually, because this is the angle theta, ye angle theta hai, to ye bhi theta ho jayega, ye bhi theta ho jayega, and you know how to decompose this this force, aur ye perpendicular aur ye jo hai na along the rod and things like that. So
सो वी कैन नाउ ऑब्टेन इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन. अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपके ख्याल में यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे? यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं है, रिमेंबर इट्स ओनली रोटेशन. सो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा वेरिएबल कौन सा होगा? दैट विल बी थीटा. यस, सो थीटा डबल डॉट, और यहां पे हम क्या लगाते हैं? वी राइट द इनर्शिया. या और नहीं, ओवरऑल इनर्शिया आई, इफेक्टिव इनर्शिया, और यहां पे क्या है? इफेक्टिव टॉर्क. दिस इज आवर रेसिपी यूजुअली. मगर ये ट्रांसलेशन होता तो हम क्या लिखते? वी वुड राइट समथिंग लाइक दिस, या इफेक्टिव मास, इफेक्टिव फोर्स. यू आर यूज टू दैट. ओके, सो ये मैं आपको स्कीम बता रहा हूं कि हम वी नीड टू फाइंड आई ई. अब आई ई कहां से आएगा? उसका आसान तरीका क्या है? अभी तक जो आपने पढ़ा है वो क्या है? सबसे आसान तरीका काइनेटिक एनर्जी का होता है. इफ यू कैन एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी है? यहां पे चूंकि ट्रांसलेशन नहीं है तो हम इवन ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. इफ वी वांट वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर आई ई डायरेक्टली. तो आई ई यहां पे जो है, ये दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं. एक है आपका आई, आप कह ले आर जी, ठीक है, हम इसका लिख देते हैं. सो आई कैन स्टार्ट विथ आई आर जी, ठीक है, आई आर जी. एंड आई वुड से दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई ई, आई कैन सिंपली से आई ओ, द टोटल इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ. सो आई कैन जस्ट स्टार्ट विथ दैट आई ओ. सो आई ओ में पहला टर्म किसका होगा? आई आर जी का होगा. लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम. यहां पे कौन सा प्रॉब्लम है? आई आर जी इज द इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, जो इसका मिड पॉइंट है. और हमें किसके अराउंड चाहिए? अबाउट ओ. इसके लिए हमें कौन सा थ्योरम चाहिए? पैरेलल. कैन यू रिमेंबर दैट? कैन यू रिकॉल दैट पैरेलल एक्सिस थ्योरम? सो यू टेक द इनर्शिया अबाउट द सेंटर एंड देन यू एड मास टाइम्स द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? हाफ ऑफ एल आर एंड स्क्वेयर्ड. और ये मास किसका होगा यहां पे बताएं? मास ऑफ, ये कैलकुलेशन हम किस चीज के लिए कर रहे हैं? तो यहां पे वी विल हैव मास ऑफ द रॉड. नाउ दिस इज आवर इनर्शिया कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रॉड अबाउट पॉइंट ओ. यहां तक बात समझ आ गई? इसके साथ वी हैव टू एड अनदर थिंग, द इनर्शिया कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम सी. नाउ वी कैन मॉडल दिस एम सी एज अ पॉइंट मास एट इट्स सेंटर. और आपको पता है कि उसका बहुत आसान होता है, एम सी और स्क्वेयर ऑफ व्हाट? एम सी फ्रॉम ओ इज एल सी. सो एम सी एल सी स्क्वेयर, ठीक है ना? ये हमने पहले भी लिखा हुआ था, हम आपको याद है हमने एम आर स्क्वेयर लिखा हुआ था. आर इस केस में हमारे पास एल सी है. सो नाउ वी हैव द टोटल इनर्शिया कंट्रीब्यूशन, ठीक है. तो यहां पे ये वी कैन नाउ प्लग दिस एक्सप्रेशन हेयर इन दिस इक्वेशन. अब टी ई कहां से आएगा वो जरा बता दे मुझे. Or maybe I can say TO just to keep things simple. TO, the total torque about O. तो उसमें कौन कौन से शामिल हैं? We have only, actually we can take this MG as the total force, okay? Total force हमारे पास MG आ जाएगा और MG का ये component, this component has no contribution to the torque. We'll just take this contribution, this component, MG sin theta. This is the force which can contribute to torque, and this will multiply what? Which distance? This distance. Ye distance kitna hai? Diagram mein? L.
ठीक है. सो वी हैव एम जी एल साइन ऑफ थीटा. नाउ वी हैव दिस एक्सप्रेशन एंड वी हैव दिस एक्सप्रेशन. सो यू जस्ट प्लग द वैल्यूज एंड यू हैव योर इक्वेशन ऑफ मोशन. इसमें अगर कोई बात समझ नहीं आई तो बता दें मुझे. इट वॉज वेरी स्टैंडर्ड. द ट्रिक वॉज, ये तो आपके लिए खैर बहुत आसान है ये, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू. द ट्रिक वॉज टू राइट टू टर्म्स, वन फॉर द ब्लॉक फ्रॉम द फॉर द ब्लॉक, वन फॉर द रॉड. जो रॉड में आप आपको जो एनर्जिया दिया हुआ है वो आई आर जी है, ठीक है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप उसको कन्वर्ट करते हैं मोमेंट अबाउट. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ कि हाउ कैन थिंग्स बी डिफरेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन अनदर क्वेश्चन. सो लेट्स से आई आर जी मुझे नहीं गिवन, ठीक है, लेट्स से मुझे नहीं गिवन और मुझे सिर्फ एम आर गिवन है. नाउ हाउ डू आई वर्क आउट आई आर जी फ्रॉम एम आर? एनी आइडिया? इसके लिए मुझे एजम्पशन करनी पड़ेगी रॉड के बारे में. अब इस रॉड का हमें सिर्फ लेंथ पता है एल आर, इसका डायमीटर नहीं पता. सो इफ आई अस्यूम दैट दिस इज अ सिलेंड्रिकल रॉड, या एंड बिकॉज इन अ पेंडुलम वी डोंट वांट दिस रॉड टू बी टू थिक. सो अब इसे यहां पे दो, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. वी कैन ईदर हैव अ सिलेंडर विद सिग्निफिकेंट रेडियस और अ सिलेंडर विद इनसिग्निफिकेंट रेडियस. इफ यू रिमेंबर वी कॉल दिस स्लेंडर रॉड एंड वी कॉल दिस सिंपली रॉड. सो लेट मी गो बैक टू अ टेबल ऑफ इनर्शियाज and you can see how we work that out. This is our table of inertia. So can you now tell me which cylinder should we use for this problem? This one or this one? We should be using this one. Because we will not expect a thick cylinder in a pendulum environment. So ab yahan pe ye aapka udhar to usko g मतलब वहां पे जी का मतलब कुछ और है तो हम ये जी काट देते हैं. एंड दिस यू रिमेंबर वाज एल आर, सो इट विल बी एल आर बाय टू, एल आर बाय टू. एंड इफ यू रिमेंबर द इनर्शिया अबाउट द सेंटर, सो वहां पे जो आई आर जी है दैट इज 1/12, ये 1/12 लिखा हुआ है. इट विल बी एम आर and LR squared. This is how you can work out your IRG, even if it is not given. But remember, it's about the center. If you are using this table, then you don't even need to use the parallel axis theorem, because it has given this other inertia bhi diya hua hai. Theek hai na? Remember, there are two axes. YZ, wo center pe hai, aur Y prime, Z prime, side pe hai. Wahan pe jo O hai, aapka point. So ye, yahan pe, if you are using this table, then you don't even need to use the parallel axis theorem. But we want to use parallel axis theorem in our case. Okay? So we can now move on to the next part. Next part kya hai? Achha, yahan pe ek cheez shayad hame aur karni hai, and for that you need to understand why we have this diagram basically. If you read the question carefully, you have been given only two lengths, LC and LR. LC, LR. Although you have shown L in the diagram, but this question says nothing about L. So which means that you should be able to express L in terms of these two lengths, LC and LR. Some function, yeah, of these two. So how do we do that? This will help you there. ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने क्या किया कि in this diagram you can see two point of views. You can either look at the total mass of the rod as well as the bob, and you can think of this total weight as acting at point G. In that case, the moment will be m g L. That is the definition of L. Huh? About O. Okay. We are calculating moment about O. Or you can think of it as separate masses. One for MC and one for MR. So MC about point O, uska jo
मोमेंट है वो क्या है, जी, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एम सी जी टाइम्स एल सी एंड एम आर जी टाइम्स हाफ ऑफ एल आर. सो यू सी दिस इज हाउ यू कैन, इफ यू डिवाइड बोथ साइड्स बाय एम जी, यू हैव एक्सप्रेस्ड सक्सेसफुली एल एज ए फंक्शन ऑफ एल सी एंड एल आर. ठीक है ना, एवरीथिंग एल्स इज नोन. सो इवन इफ समथिंग इज नॉट गिवन टू यू, you can use the given information to your advantage. ये बात समझ आ गई? Okay, the next part is simple. Next part ये है कि जो भी आपको expression पिछले part में मिले हैं, you are being asked to discuss the case when the rod's mass mr is small compared to the concentrated mass. So you have two masses, mass of the rod and the concentrated mass. So you just assume that this is very small compared to mc, which means that jo aapko expression mila hai wahan pe jahan jahan pe aapko mr nazar aa raha hai ab usko ignore kar do. You just set mr to zero, theek hai na, and when you set mr to zero, that moment of inertia will also be set to zero. So when you make these substitutions, you will simplify the algebraic expressions you got in this part, which I am not showing because I am not solving this for you. Ye aap fir khud kar le, theek hai. So that was not a big deal. We can now move on to the next question. Aur is question mein hamare paas kya hai ke we need to, so we have basically a tractor. This is a tractor and it is pulling a cart. This is your cart up a slope. Slope yahan pe angle given hai aapko, theek hai. So ye aise isko pull kar raha hai and you can see that the pulling force is f, theek hai. Arrow bhi aapko nazar aa rahi hai aur ye v velocity us direction mein hai. You assume that there is no actually bouncing, so you see there is no slip, no bounce. You assume that the wheels do not slip, they do not bounce, our usual assumption. And this simply means that you can relate tangential velocity or linear velocity with angular velocity, r times omega. ye use karne ke liye aapko assumption chahiye, theek hai. So neglect the axle mass and assume that the wheels not slip, derive an expression for the force. ab iske liye hum kya karenge, we don't want to use those force diagrams and free body diagrams. The easiest thing is to use kinetic energy. क्योंकि तरीके वारदात हमें पता है. तरीके वारदात हमारा ये है कि we want to write an equation. Newton law. Newton law में you have velocity dot acceleration, and you will have some effective this time because it's linear, so we will not write I, we will write m e effective mass, and we will write this effective force. There is only one force here, okay? So we don't need to write Fe because there are not many force. Actually, let me tell. No. I think we can still write effective force because there are other forces as well. ये जो gravity है, इसके भी components होंगे, so we'll write that. और इसमें फिर ये आपके पास ये F आ जाएगा, and then you can write an expression for that. So ये हम बाद में कर लेंगे. Let's work out Me first. Now Me के लिए हमारे पास जो बेस्ट मेथड है वो है काइनेटिक एनर्जी. जस्ट राइट द काइनेटिक एनर्जी फॉर द होल सिस्टम. और वो क्या है, इफ आई वांट टू राइट द काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा इसका. रिमेंबर वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रैक्टर. क्यों बता सकता है कि ये इस क्वेश्चन में क्यों रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि यू आर आस्क्ड टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एफ. तो इसका सिर्फ ये काम है कि इसने फोर्स जनरेट कर दिया, बस इसका रोल खत्म. आवर पर्पस ऑफ स्टडी इज नॉट द ट्रैक्टर, क्योंकि इसने जो करना था वो हमें पता चल गया है एफ. सो वी रिप्रेजेंट एवरीथिंग ट्रैक्टर इज डूइंग बाय द वेरिएबल एफ, और उसके बाद इसका रोल खत्म. अब हमारा जो स्टडी है वो क्या है, वो कार्ट है. तो कार्ट में हम वी नीड टू ट्रेस कि वहां पे कौन कौन से मासेस है. एक वहां पे मास कार्ट का है एम,
और एक मास वहां पे क्या है, व्हील का है, और कितने व्हील्स हैं, रिमेंबर टू व्हील्स हैं. सो नाउ वी नीड टू राइट डाउन द काइनेटिक एनर्जी फॉर द कार्ट एंड द काइनेटिक एनर्जी फॉर द व्हील्स, टू व्हील्स. तो कहां से स्टार्ट करें, हाफ एम इज द मास ऑफ द कार्ट और वेलोसिटी क्या है, वी स्क्वायर. और यहां पे क्या है, हाफ, वी नीड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वी नीड द एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर टू बी प्रिसाइज एंगुलर स्पीड. तो यहां पे क्या है, वी नीड टू बिकॉज देर आर टू व्हील्स एंड IW इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन व्हील. सो ट्वाइस IW ओमेगा स्क्वायर, ये हमने कर दिया. Now one more thing, because the wheels do not slip and they do not bounce, so we can now plug V as R omega because R is the radius. So V ki jagah mein kya kar dunga, R omega. So R squared, omega squared, and that omega squared can be taken as common. Yeah. So ab hamare paas jo बल्कि यहाँ पे एक मिनट है, हमने एक गलती कर दी यहाँ पे. बेसिकली गलती हमने ये की है कि वी वांट टू राइट द लिनियर ट्रांसलेशनल फॉर्म ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स लॉ, सो वी शुड रादर डू समथिंग एल्स. ओके, हम इसको रहने देते हैं, एम वी स्क्वायर्ड को हम इसको चेंज कर देते हैं. रादर देन राइटिंग वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी वॉन्ट टू राइट ओमेगा इज इक्वल टू V over R. We can do that. Yeah. So it will be V squared over R squared. And now I can take V squared common. Half understood. Aur yahan pe kya bach gaya? M plus twice IW divided by R squared. This is your ME basically. So ME is M plus twice IW divided by R squared. Now what is FE? Now we need to have an expression for FE. FE kya hai? Okay. So I can now remove this QK and we have dealt with ME. So now ME is known. And now we need to find FE. FE के लिए we need a free body diagram. We need a free body diagram. ठीक है? अब free body diagram में यहाँ पे एक चीज interesting आ गई है कि even though I have not written the expression for ME, but you do know that इसमें जो टर्म है इसमें वो आई डब्ल्यू का भी एक कंट्रीब्यूशन है. आई डब्ल्यू को आपने डिवाइड कर दिया था आर स्क्वायर पे. द क्वेश्चन इज इन दिस डायग्राम वी ओनली हैव मास ऑफ द कार्ट, और ये तो आप कर लेंगे ना कि न्यू ये फोर्स अप्लाइड है, ये इसका जो है ना वो ग्रेविटी का ये मास वेट का ये कंपोनेंट है अपोजिट टू एफ एंड ये उसका रिएक्शन फोर्स है फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, और ये उसका ये वाला कंपोनेंट है नॉर्मल. ठीक है ना? द क्वेश्चन इज व्हाई डोंट वी राइट हियर एम ई, व्हाई डोंट वी राइट एम ई व्हेन वी नो दैट एम ई इज द इफेक्टिव मास ऑफ द कार्ट. आपके ख्याल में से क्या रीजन हो सकती है? यहां पे हमने सिर्फ दो मासेस लिखे हैं, मास मास ऑफ द कार्ट एंड ट्वाइस मास ऑफ द व्हील. सो व्हाई डोंट वी यूज दिस मास? रीजन इसके ये है कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में यू आर बेसिकली इट्स अ स्टैटिक पिक्चर. दिस डायग्राम विल बी ट्रू इवन इफ वी इज जीरो. सो दिस इज अ पोटेंशियल, दिस शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी. ये एम ई इसलिए इसमें ये कंट्रीब्यूशन है कि एम ई वॉज डिराइव फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्स वी टू बी नॉन जीरो.
But when you draw the free body diagram of this style, even if this F is such that there is no velocity, you can still have this static balance. और स्टैटिक बैलेंस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपका एम जी है, एम जी नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन वी कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी वी मल्टीप्लाई एम जी बाय सम हाइट. और ये हाइट यहां पे क्या है, दिस विल बी द यहां पे हाइट हमारे पास क्या है, डू वी हैव एनी एक्सप्रेशन फॉर हाइट. हम कोई भी यहां पे वेरिएबल यूज कर लें, लेट्स से हम यहां पे कोई वेरिएबल एक्स यूज कर लें, लेट्स से एक्स हम यूज कर लें लेंथ, तो उस लेंथ का जो है ना एक ये कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, एक्स हॉरिजॉन्टल, और एक उसका होगा एक्स वर्टिकल जो जी के डायरेक्शन में है. सो दैट विल बी आवर एच, एच विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस लेंथ एंड दैट विल मल्टीप्लाई एम जी. ठीक है ना, तो इसमें देखो ना यहां पे कोई वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, कोई रोटेशनल कुछ भी नहीं है. सो दैट्स व्हाई इन दीज डायग्राम्स वी आर ओनली गोइंग टू यूज द एक्चुअल मासेस एंड नॉट द इफेक्टिव मासेस. अच्छा, ये तो बात हो गई. ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज हमने करनी है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट का मतलब यह है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है, एंड एक्सेलरेटिंग टू 20 मीटर पर सेकंड एंड 15 सेकंड, यहां पे एक्सेलरेशन भी गिवन है आपको. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एफ. अब यहां पे यह है ना कि हम आप जब आप लिखते हैं कि एम ई वी डॉट equals FE, और FE आपके पास आ गया F minus this, ये जो आपका M plus twice MW times G sin of theta है. अब यहां पे ये तो निकल गया, ठीक है, we can now ignore this and we also know the expression for ME. The point is that we need an expression for F, which means that we need to know V dot. We cannot leave this equation like that. Okay, the question is not to write the equation of motion. The equation of motion hota to hum idhar hi chhod dete. Yahan pe you have to derive an expression for F, which means that I need to work out V dot. V dot ke liye mujhe ye information chahiye. Initial velocity zero hai, to V dot kya hai? V dot is the acceleration. Acceleration yahan pe kya hai? Average. The change in velocity per unit time. Time कितना है आपके पास? 15 seconds, yeah? और ये जो 20 meters per second है, ये change in velocity है. तो ये denominator, ये numerator में जाएगा. So this means that you have 20 divided by 15 meter per second squared. This V dot will be placed here. M E M plus 2 M G G sin theta, and now you can solve this for F, and that is what you mean by the expression for the force F. ये बात समझ आ रही है आपको? Okay, so let's move on. The next question. And here, this is a bit involved, so that's why I have written all the expressions for you so that you can connect it. So you have a single link of a robot arm. So this is what we mean by a single link of the robot arm with mass M. Iska mass M hai. Has its center of mass a distance L from the joint. The joint yahan pe kidhar hai? ये आपका जॉइंट है, ये,
और इस जॉइंट से ये कितना डिस्टेंस है एल, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास आपके पास ये हो गया, एंड इज ड्रिवन बाय अ मोटर टॉर्क टी एम, ये आपका मोटर टॉर्क है टी एम, ठीक है, इस डायरेक्शन में, एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू स्पर गियर्स ओमेगा टू इज इन दिस डायरेक्शन एंड ओमेगा वन इज इन दिस डायरेक्शन बिकॉज दैट्स हाउ दे मेश हियर. Model the arm as a pendulum. So you are being asked to model this arm as a pendulum, which means that you have to assume that all the mass m is concentrated, yeah, and you have to neglect the arm's moment of inertia. Or jo ig hai, you have to set ig to zero. You just want to model this as a pendulum, as if it were a pendulum. तो पेंडुलम में जारी बात है, फिर सिर्फ एस का होता है मास जो है ना उसका वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर्म का नहीं आएगा, ठीक है ना, वो कंसेंट्रेटेड मास का आएगा. ये रेशियो इज एन इज इक्वल टू, अब एन इज इक्वल टू में यहाँ पे क्लियर नहीं है कि व्हाट डज ही मीन बाय एन इज इक्वल टू. ब्रैकेट में दिया हुआ है कि द मोटर शाफ्ट हैज ग्रेटर स्पीड, इसका मतलब ये है कि ये मोटर शाफ्ट है तो मोटर शाफ्ट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन है और ओमेगा टू है लोड साइड पे, सो एक्चुअली दिस इज व्हाट यू मीन बाय एन, बिकॉज एन इज इक्वल टू तो मोटर साइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्पीड सॉरी एंगुलर स्पीड. नाउ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, ये बहुत जरूरी है, इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, ठीक है. अब इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा का मतलब ये है कि ऑल द बुक में उसने इस तरह से नहीं किया, लेकिन मैं यहां से एक हिंट उठा रहा हूं एंड आई एम सॉल्विंग दिस इन अ डिफरेंट वे, नॉट इन द वे इट हैज बीन सॉल्व इन द बुक. क्योंकि एंगल थीटा किस साइड पे है मुझे बताओ, ये मोटर साइड पे है या लोड साइड पे है, देख के बताएं मुझे. थीटा मोटर साइड का वेरिएबल है या लोड साइड का वेरिएबल है? लेकिन अगर ये आपके पास रोबोटिक आर्म है तो आर्म तो ये है ना, इसने किसी ने किसी चीज को उठाना है या मूव करना है, तो थीटा इज अ वेरिएबल ऑफ द लोड साइड, सो वी हैव टू एक्सप्रेस एवरीथिंग ऑन द लोड साइड, ठीक है ना. सो नाउ आई कैन से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मैं उसके लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा टोटल, पहले हम टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, वी स्टार्ट विद द मोटर. अब मोटर का एनर्जी क्या है, आई एम, एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा वन, सो हाफ आई एम ओमेगा वन स्क्वायर, दिस इज द कंट्रीब्यूशन टू काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द मोटर, डन. ओके, जो शाफ्ट है मोटर का उसका एनर्शिया है आई एस वन, सो हाफ आई एस वन ओमेगा वन स्क्वायर, क्योंकि मोटर और शाफ्ट और ये जो प्राइमरी गियर है द पिनियन, दे ऑल हैव द सेम angular velocity because they are part of the same shaft. So the same expression, and similarly IG1, G1 is the pinion gear, theek hai na, to uska bhi IG omega 1 square. Then we move on to the secondary side, aur wahan pe kya kaun kaun se objects hain, we have IS2 the shaft, so half IS2, aur wahan pe angular velocity omega 2 squared hai, aur phir jo driven gear hai IG2 uska inertia hai और ओमेगा टू स्क्वायर, यहां भी हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद द आर्म. अब आर्म का क्या है कि आर्म की हमें पता है कि इसकी उस तरह की रोटेशन नहीं है, इसकी जो है ना, अगर हमें ये टेंजेंशियल वेलोसिटी पता है v, सो मास पता है, सो हाफ एम वी स्क्वायर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट v, वी नो दैट देयर इज नो स्लिपेज हियर, सो दैट v मस्ट बी इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा, विच ओमेगा, ओमेगा टू, so r times omega 2, और यहां पे r नहीं है, सॉरी l है, instead of r we have to write l, so we know that the linear velocity of the arm is equal to l times omega 2, and we also know the meaning of n that gives us this relationship between omega 1 and omega 2, so we now replace all occurrences of omega 1 by n times omega 2. So you have n squared
और v वी नो v इज इक्वल l ओमेगा 2 सो नाउ वी हैव एवरीथिंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओमेगा 2 स्क्वायर्ड सो हाफ समथिंग ओमेगा 2 स्क्वायर्ड इफ यू एक्सप्रेस इट इन दिस वे यू कैन सी दिस एज द इफेक्टिव इनर्शिया और इक्विवेलेंट इनर्शिया ऑन द आउटपुट एट द आउटपुट शाफ्ट और द लोड साइड ठीक है सो दिस इज द इफेक्टिव इनर्शिया अच्छा डोंट बी मिसलेड बाय द सिंबल बिकॉज द बुक इज यूजिंग द सेम सिंबल आईई फॉर द इफेक्टिव इनर्शिया ऑन द मोटर साइड तो मोटर साइड के लिए जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये फिर डिफरेंट होगा इसमें एक तो ओमेगा वन होगा और ये एन स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा आई हैव रिटन इट इन माई ओन स्टाइल बिकॉज माई गोल इज टू सिंप्लीफाई द मैथ बिकॉज आई वॉन्ट थीटा थीटा इज मोर क्लोजली कनेक्टेड टू ओमेगा टू देन इट इज टू ओमेगा वन And we can similarly write the effective or equivalent torque felt at the output side. So, अब यहाँ पे क्या है जो TM है, we know that when it goes to the other side of the gear, it will get multiplied by the gear ratio. Or this will have a plus sign because TM and omega 1, actually there is one mistake here. This should be minus and this should be plus. Reason being that this TM is positive with respect to omega 1. Omega 1 ke saath iska jo hai na wo same hai. But wait a minute. No, ye isliye theek hai. ये इसलिए प्लस है क्योंकि टी एम गिव्स गिव्स ओमेगा वन इवन दो ओमेगा वन इज हेयर दिस मिशिंग इंश्योर्स दैट दिस डायरेक्शन ऑफ ओमेगा टू इज कॉज्ड बाय दिस डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वन तो यहां पे कोई माइनस साइन नहीं है दैट इज हाउ गियर्स फंक्शन ये गियर ऐसे जाएगा तो वो गियर ऐसे जाएगा सो देयर इज दिस इज अ प्लस साइन ठीक है ना देयर इज नो अपोजिशन हेयर अब ये जो टर्म है ये इसलिए माइनस है ये वाला कि इफ यू लुक एट दिस फोर्स हेयर यहां पे जो आपका फोर्स है वो एम जी है एंड दिस एम जी विल बी मल्टीप्लाइंग एल एंड यू नीड साइन ऑफ थीटा क्योंकि बेसिकली जो इसका कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट है तो एम जी का ये जो कंपोनेंट है वो एम जी साइन थीटा है एम जी साइन ऑफ थीटा एंड देन एल और ये माइनस साइन इसलिए है कि इसका जो इम्पैक्ट है ये जो मोमेंट है इट गोज अगेंस्ट ओमेगा टू इफ यू लुक एट ओमेगा टू एंड इफ यू लुक एट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ एम जी एल साइन थीटा तो वो अपोजिट है दैट इज व्हाई वी हैव दिस माइनस साइन सो नाउ वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस वी नो द इफेक्टिव इनर्शिया एट द आउटपुट साइड वी नो द इफेक्टिव टॉर्क एट द आउटपुट साइड We know the variable theta, so we know theta dot is omega 2, क्योंकि वो omega 2 के साथ connected है ये वाला, theta dot is equal to omega 2, and omega dot is theta double dot, so if I start with theta double dot, I multiply this with the effective inertia, that will be omega dot, and now I can apply the rotational form of Newton's law, effective torque, और ये दोनों plug करके, I'll get my expressions, ठीक है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें अभी ऑल्दो वी हैव बीन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स क्वाइट अ फ्यू टाइम्स सो कीप दीज एक्सप्रेशंस इन माइंड ओके वी विल यूज दीज एक्सप्रेशंस इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल यूज द एक्सप्रेशन ऑफ द इफेक्टिव टॉर्क एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द इफेक्टिव इनर्शिया ऑन द नेक्स्ट स्लाइड Solve these equations for the case where IM, IG1, IS1, IG2, IS2, TM, ML. इनके सब की वैल्यूज यहाँ पे क्या बने? And remember, every value has the corresponding unit. अब यहाँ पे मसला ये है कि अगर हम ये डायरेक्ट यहाँ पे प्लग करने ना यहाँ पे, तो we will have a mess of those units. So we need to do some algebra before plugging in the values. ठीक है? ताकि हमारा जो algebra है वो जरा neat रहे. Apart from that, you are also being asked to assume that initially theta is zero and that theta remains small. So theta is nearly, it remains small. So main kya kar raha hu ki instead of using TE directly,
टीई, मुझे पता है कि टीई इज टॉर्क, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में टॉर्क किसका यूनिट है, एम जी एल का, क्योंकि साइन ऑफ थीटा का कोई यूनिट नहीं है, इट हैज नो यूनिट. तो एम जी एल एंड टीई दे हैव द सेम यूनिट्स. सो इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय एम जी एल, एम जी एल, एम जी एल, आई विल हैव एन इक्वेशन विद नो यूनिट्स. सो टी ई, मुझे पता है कि टी ई को अगर मैं एम जी एल पे डिवाइड करता हूँ तो वहां पे एन टी एम डिवाइड बाई एम जी एल माइनस साइन ऑफ थीटा, रिमेंबर वो एम जी एल कैंसल. एंड इफ आई नाउ प्लग दीज वैल्यूज, इफ आई प्लग द वैल्यू ऑफ एन विच इज टू, टू, टी एम इज 0.5. अब देखो यहाँ पे मैं ऑल दो टी एम इज 0.5 न्यूटन मीटर, आई एम ओनली प्लगिंग 0.5. वाई, तो बता सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो फ्रैक्शन है, इस दिस फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस. आई नो इट इन एडवांस, इवन बिफोर प्लगिंग इन द वैल्यूज आई नो दैट दिस शुड बी डायमेंशनलेस, सो आई शुड नॉट बी केयरिंग अबाउट द यूनिट्स नाउ. ठीक है, इसी तरह m की जगह मैं यहां पे सिर्फ 10 लिख रहा हूं, आई डोंट नीड टू राइट kg. सो रिमेंबर दिस इज सो सो इफेक्टिव दैट यू जस्ट डिवाइड बाय mgl एंड दैट सेव्स यू फ्रॉम राइटिंग ऑल दोस नास्टी यूनिट्स. और वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट ओके साइन ऑफ थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, सो आई रिप्लेस दैट विद थीटा. एंड इफ यू वांट यू कैन एक्सप्रेस दिस इन योर ओन वे, आप इसको, समबडी कैन एक्चुअली कैलकुलेट दिस एंड टेल मी द आंसर. ये मुझे बताएं इसका क्या आंसर आएगा क्विकली, ताकि मैं इसको लिख दे दूं. ठीक है, सिमिलरली आई विल नाउ डिवाइड आई ई, क्योंकि उस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे आई ई भी है. आई ई का ये हॉरेबल एक्सप्रेशन लिखने से पहले आई वुड लाइक टू डिवाइड दिस बाई एम जी एल, बाई एम जी एल. अब यहां पे ये डायमेंशन लेस नहीं होगा, क्यों, रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि आई ई वॉज मल्टीप्लाइंग थीटा डबल डॉट एंड दिस वॉज गिविंग यू सम टॉर्क. तो अब देखो ना, अब इसका यूनिट क्या है आई ई का, इसका है किलोग्राम, देखो ना ये इन इनर्शिया है, एंड मास स्क्वायर्ड, सॉरी मीटर स्क्वायर्ड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर्ड, और इसका क्या है टॉर्क का न्यूटन मीटर. लेकिन थीटा डॉट डबल डॉट का क्या है, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर्ड. अब इसमें पर सेकंड स्क्वायर्ड है, इसमें नहीं है, उसमें भी नहीं है. इसका मतलब यह है कि इफ यू डिवाइड आई ई बाई एम जी एल, द यूनिट्स विल नॉट कैंसल आउट, यू विल स्टिल बी लेफ्ट विद सेकंड स्क्वायर्ड. यू थिंक अबाउट इट योर सेल्फ एंड यू विल बी कन्विंस्ड कि ये जो पर सेकंड स्क्वायर्ड है ये बेसिकली निकल एंड पे रह जाएगा. तो वो मैंने यहां पे लिख दिया है पर सेकंड, सॉरी सेकंड स्क्वायर्ड, नॉट पर सेकंड स्क्वायर्ड, सेकंड स्क्वायर्ड. एंड आई कैन नाउ प्लग, क्योंकि जो जो इसका यूनिट आ सकता है, यहां पे तो बहुत आसान था ना, यूनिट नहीं था, सो आई हैड आई डिड नॉट नीड टू वरी एट ऑल. यहां पे चूंकि मुझे पता है कि इसका जो भी यूनिट आएगा वो एंड पे सेकंड स्क्वायर बच जाएगा, वो मैं एडवांस में लिख देता हूं और बाकी यहां पे मैं सिर्फ वैल्यूज लिखता हूं, आई डोंट केयर अबाउट द यूनिट्स. तो ये भी आप में से कोई कर सकता है, तो कोई बता सकता है मुझे कि इससे क्या आंसर आया, व्हाट आंसर डिड यू गेट फ्रॉम हियर. आई अस्यूम दैट यू नो दैट आंसर. And similarly, I assume that you, huh? क्या 0.034 और इसका क्या आएगा सेकंड स्क्वायर, ये कोई हॉरिबल एक्सप्रेशन आ जाता है. ठीक है, वंस यू हैव दिस द रेस्ट इज जस्ट पीनट्स. क्यों, क्योंकि आप उससे स्टार्ट करें लास्ट स्लाइड से, वो क्या था आई ई थीटा डबल डॉट इक्वल्स टी ई Divide both sides by MGL. Yeah? You know the expression for TE over MGL. This one. Plug it. You know the expression for... Sorry, not this one. This one, yeah? This one. And you know the expression for IE over MGL. This one. Plug these values and you will have your equation for theta double dot something and something. Okay?
और यहां पे एक चीज और नोट कर लें कि यहां पे ये कांस्टेंट अलग होगा और ये थीटा अलग होगा, ठीक है। तो जो फाइनल इक्वेशन आपका होगा वो इस फॉर्म का होगा, ये बहुत जरूरी है। द फाइनल इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक इट विल हैव अ थीटा डबल डॉट विथ समथिंग हेयर एंड यू कैन डिवाइड दैट बट सो इट मीन दैट यू कैन गेट रिड ऑफ दिस थिंग एंड देन यू विल हैव ऑन द अदर साइड समथिंग माइनस थीटा एंड सम अदर कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। सो यू हैव अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन थीटा इज इक्वल टू जीरो, एंड यू कैन इवन नो द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी आपके ख्याल में क्या होना चाहिए यहां पर, यू कैन अस्यूम दैट टू बी जीरो एज वेल, ठीक है। एंड देन यू कैन सॉल्व दिस सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन by your methods you learned from differential equations course. और वैसे इस कोर्स में we don't expect you to solve equations. इस example में चूंकि वो है तो आप आपके लिए practice है. I do not expect you to be solving equations like that. This is not the objective of this course. I only expect you to write down these equations, okay? Differential equations. ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सच ए पर्सनल ट्रांसपोर्टर। सो यू मस्ट हैव सीन दिस, यू हैव टू व्हील्ड पर्सनल ट्रांसपोर्टर एंड देयर इज अ मोटर हेयर प्रोबेबली बैटरी पावर्ड एंड द बैलेंसिंग द व्हीकल बैलेंसिंग इज अचीव्ड बाय ऑफ कोर्स बाय द मोटर एंड बाय द फैक्ट दैट दिस पर्सन हैज टू लीन फॉरवर्ड। So when this person leans forward, this tilt is, there is a sensor called tilt sensor. It actually detects that tilt, and there are some gyroscopes as well. And you can ignore this Coriolis acceleration. ये मैंने इसलिए लिखा है ना कि आपको याद होगा कि मैंने I talked about something we called fictitious force. वो जो D'Alembert principle था, याद है आपको? D'Alembert. I don't know D'Alembert की स्पेलिंग क्या है, लेकिन उसमें I told you that this MA with a minus sign can be seen as a fictitious force. और इसी तरह centrifugal force होता है, तो इसी तरह एक acceleration है जिसको हम कहते हैं Coriolis acceleration. That is just a fictitious acceleration when you use the D'Alembert's principle. That's the only thing I want to say. I don't want to confuse you further क्योंकि it's an advanced concept. So you can pretty much ignore this part. So what we need to know about this picture is that the forces and torque. So you have a motor torque here because it's battery powered. So you will have a motor torque here. And then there is this tangential force F. Okay, the wheel has to move. And when the wheel moves, then there is this tangential force between the wheel and the surface of the earth. Or the road, and then there is this reaction force from the earth, and that reaction force actually propels this forward. So if we want to write down the equations for such a personal transporter, this whole setup can be modeled as an inverted pendulum. Inverted pendulum. आपने अभी तक pendulum सिर्फ इस form में देखा है ना, कि यहाँ पे एक pivot होता है, रॉड होता है और आपके पास एक कंसेंट्रेटेड मास है, ग्रेविटी है। सो इफ वी एक्चुअली रिवर्ट दिस कि ये पिवट हम इधर ले आए और ये ऊपर ले जाएं, सो इट लुक्स लाइक दैट। ये आपका वो पिवट है पॉइंट ओ और इसका मास आदमी का, रॉड का मास, तो इट इज एन इनवर्टेड पेंडुलम। सो यू शुड नाउ नो, यू शुड नाउ लर्न हाउ टू राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन इनवर्टेड पेंडुलम। सो एक्चुअली वी वॉन्ट टू मॉडल द ट्रांसपोर्टर ऑफ द प्रीवियस स्लाइड एज ए कार्ट। You can think of it as a car with mass M, and this mass will include all the extra masses. Jo wheel axle combination hai uska bhi, theek hai? Everything included. So this is the cart. Sorry. Ye jo wheel hai aur iska axle wagera sara, isko humne model kiya as a cart.
और जो ये जो रॉड है और ये आदमी है, इन दोनों को हमने मॉडल किया एज एन इन्वर्टेड पेंडुलम. सो इट्स नॉट जस्ट द इन्वर्टेड पेंडुलम, इट इज कार्ट प्लस इन्वर्टेड पेंडुलम. कार्ट प्लस इन्वर्टेड पेंडुलम. सो कार्ट मॉडल्स, सॉरी, कार्ट मॉडल्स दिस पार्ट, इन्वर्टेड पेंडुलम मॉडल्स दैट पार्ट. And it is attached to the cart by a pivot, the pivot P, and the pendulum mass is M, small m. Cart mass is uppercase M, about the center G. G यहाँ पे given है, ठीक है. Distance L from the pivot, so G and P are distance L apart. The inertia of the pendulum is IG, about G, ठीक है. Derive the equations of motion with F and T as the inputs. देखो ना, ये एफ वो अर्थ का जो, ये बेसिकली ही इज यूजिंग द सेम सिंबल बट इट्स नॉट दिस फोर्स. ओके, व्हाट वी हैव इज द अदर फोर्स फ्रॉम द अर्थ, द रिएक्शन फोर्स, बिकॉज दैट प्रोपेल्स, सॉरी नॉट प्रोपेल्स, दैट पुशेस द फॉरवर्ड द व्हीकल. सो यू हैव टॉर्क टी फ्रॉम द मोटर एंड फोर्स एफ फ्रॉम द अर्थ, द रिएक्शन फोर्स, एंड यू वॉन्ट टू यूज फाई एज द आउटपुट. And x, because it can move horizontally as well, so you just have this x y coordinates. Although ये x opposite direction में है, देखो ना, force ऐसे act कर रहा है, x आपने right side पे किया हुआ है. This looks counterintuitive, but it simplifies the math. उसकी वजह ये है कि हम जब x y को ऐसे कर देते हैं, तो इसका जो counterclockwise torque है, वो out of the page और वो हमारे पास positive आ जाता है. So that is the simplicity we need when we don't care if x is opposite f. वो negative sign हम लिख लेंगे, वो इशू नहीं है इतना बड़ा. So you can write the force, the free body diagram. You can have the free body diagram of the pendulum and the free body diagram of the cart. और यहाँ पे अगेन मैं बता दूँ कि अगर आप बुक में देखेंगे तो ये एरोज, कुछ एरोज बुक में गलत दिए हुए, वो मैंने ठीक कर दिए. In particular this arrow and this arrow, ये बुक में उल्टा दिया हुआ है, ठीक है. वजह उसकी ये है कि when you apply this external force F from the left, from the right to the left, इसका जो reaction है वो cart में इसका opposite होगा, ठीक है ना. और ये इसका reaction नहीं है, the F, this F will be transmitted to the pendulum in the form of this force, और इस force का reaction पर उधर आएगा. तो action reaction pair, वो algebra में पता नहीं चलता लेकिन diagram में वो गलत है, ठीक है. So these are the reaction forces from the earth, vertical and vertical, vertical, all these different forces. And now you can write down the equations of motion. अब इसका आसान तरीका ये है कि you write one differential equations for this and one for this. अब इसके लिए आप equation लिखेंगे, I'm only giving you the scheme. क्योंकि ये rotational है, so you have to write down something like phi डबल डॉट, और यहां पे आप लिखेंगे ओवरऑल एनर्शिया, एनर्शिया अबाउट पी, टोटल एनर्शिया अबाउट पी, और यहां पे आप लिखेंगे जो टोटल टॉर्क अबाउट पी, टोटल टॉर्क अबाउट पी. और बताए कि टोटल टॉर्क क्या क्या कंट्रीब्यूशन है. एक इस एम जी का कंट्रीब्यूशन है, इफ यू वॉन्ट टू अबाउट पी, और बाकी किसी का नहीं है. देखो ना, ये वी और इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग एट पी. एंड सिमिलरली इफ यू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द कार्ट, सो वहां पे जो आपका वेरिएबल है वो एक्स है, एक्स. सो योर फर्स्ट गो विल बी एक्स डबल डॉट, और यहाँ पे इफेक्टिव मास आप लिखेंगे इसका, ठीक है ना. ऑफकोर्स यहाँ पे जो मास है वो एम है, कैपिटल एम, ठीक है. लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, एक्चुअली इंस्टेड ऑफ डबल डॉट आई कैन राइट डी डी टी स्क्वायर्ड एक्स, सो एक्स डबल डॉट. यहां पे बेसिकली वैसे इसके लिए तो हम नहीं, इसके लिए हम लिख सकते हैं, सॉरी इसके लिए हम लिख सकते हैं, ये ठीक था. This will only move forward. Sorry. यहां पे हमें इशू नहीं है इसका, x डबल डॉट.
और यहां पे हम सारे फोर्सेस लिख देते हैं, एफ एफ इसका चूंकि अपोजिट है तो यू विल हैव अ माइनस साइन, और एच उसी के डायरेक्शन में है और प्लस साइन एच हियर. ठीक है, दिस टी पी हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एम जी. ठीक है, एम जी यहां पे आप लिख लेंगे. अब आई थिंक दैट्स ऑल वी नीड, वी ओनली नीड टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ फाई एन एक्स. यस, और बाकी डिटेल्स आप बुक में देख लें, जस्ट बी केयरफुल क्योंकि मैंने एरोज उल्टे किए हुए हैं, तो बुक में जो प्लस माइनस एच है, एच का प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा. Okay, now this is something which you have done already in an example. The only thing different in this example, in this problem, this is actually, ये मैंने गलत किया है, ये example नहीं है, ये problem है exercise का. I forgot to take to change the text. तो example कोई और है जिसमें हमने solve किया था, वहां पे हमारे पास सिर्फ m था, x था और this i was there. इस problem में what is added here is that you have included shaft inertia. Is shaft ka bhi inertia hai, is, and you just want to derive the expression for the equivalent inertia. Ab equivalent inertia ka ye scene hai ki you need to express kinetic energy as half ie times omega squared, or omega yahan pe kya hai, theta dot hai. So if you can express kinetic energy in this form, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखना शुरू कर दूं तो इट्स हाफ आई एस तो गिवन है उसका शाफ्ट का, और थीटा डॉट स्क्वायर्ड, ओमेगा इज थीटा डॉट स्क्वायर्ड, सिमिलरली प्लस हाफ इस पिनियन गियर का भी, पिनियन का, so it is half I theta dot squared and plus half m v squared. V squared is x dot squared. और मुझे पता है कि x और theta dot में क्या relationship है, x और theta में क्या relationship है, r. ठीक है ना, क्योंकि it's a rigid meshing without slipping. So x dot will be equal to r theta dot. So I can now replace x with r theta dot, so I will have theta dot squared half is plus I plus m, और यहां पे r squared इसमें आ जाएगा. So that is your effective inertia. So easy. This is the last example, the last problem again. Sorry for this typing mistake. And I think it's a double mistake. You can, not only did I forget to change this, this should be problem. I think this number is also wrong. This is probably 3.27. I'll fix this problem as well. So you need to now understand that the lead screw, ye screw hai, and when a motor is actually driving this screw, it is used to convert the rotation of the motor shaft, ye motor shaft hai, into translational motion of the mass M. Is mass ko ye ट्रांसलेशनली मूव करता है बाय दिस रोटेशन ऑफ द मोटर फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ द स्क्रू. तो स्क्रू जो वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है स्क्रू का, द मास ट्रांसलेट्स अ डिस्टेंस एल. तो दिस करेस्पॉन्ड्स टू द डिस्टेंस एल, और इस एल को मेरे ख्याल में लीड भी कहते हैं, स्क्रू लीड. अब यहां पे आप नोट कर लें कि अगर ये, क्योंकि हमारे पास यहां पे ओमेगा है एंड ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट, तो हम अगर यहां पे वी नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एंगल्स. तो स्क्रू में वन कंप्लीट रोटेशन कितने एंगल्स होता है, 2 पाई. यस, तो बेसिकली वी कैन से दैट 2 पाई रेडियंस ऑफ द स्क्रू करेस्पॉन्ड टू डिस्टेंस एल ऑफ द मास. हम बेसिकली मास को इधर रख रहे हैं, मास का कितना मोशन, एल हॉरिजॉन्टल, और स्क्रू का कितना मोशन, 2 पाई, दे करेस्पॉन्ड. ओके,
अब चूंकि डिस्टेंस और वेलोसिटी में सिर्फ टाइम डिफरेंशिएशन का वो है, यू जस्ट डिफरेंशिएट, तो दिस शुड गिव यू द सेम प्रोपोर्शन. अब एल को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, एल को नहीं बेसिकली हॉरिजॉन्टल सम डिस्टेंस को, एक्स को जब आप डिफरेंशिएशन कर डिफरेंशिएट करते हैं यू गेट वी. ओके, एल की जगह वी है एंड वी इज एक्स डॉट. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा होता तो इंस्टेड ऑफ एल आई वुड हैव वी, और यहां पे 2 पाई की जगह मेरे पास थीटा होता, तो जब थीटा को मैं डिफरेंशिएट करता हूं आई गेट ओमेगा. सो नाउ आई हैव अ नाइस रिलेशनशिप. द रेशियो बिटवीन 2 पाई एंड एल इज द सेम एज द रेशियो बिटवीन ओमेगा एंड वी. इन अदर वर्ड्स, वी ओवर ओमेगा इज एल ओवर 2 पाई. So which means that V is equal to L over 2 pi times omega. ये बात समझ आ गई आपको? क्योंकि यहां पे वो R वाला सीन नहीं है ना, हम जो नॉर्मली करते हैं ना कि V is equal to R omega, ये वो नहीं है. यहां पे आपने एक L को कनेक्ट करना है. So effectively वो जो आपका R है, there is L by 2 pi. अब इसको एक और एंगल से भी देख सकते हैं कि v नो 2 पाई r इज वन रोटेशन, सो दैट करिस्पॉन्ड्स टू बेसिकली l, या एंड देन यू कैन हैव अ सिमिलर करिस्पॉन्डेंस बिटवीन सम अदर क्वांटिटीज. बट आई फाइंड दिस द इजीएस्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो वो है वेरिएबल है वो ओमेगा है, एंड ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट. सो वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ एंगल्स रादर देन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट इनर्शिया. अब हम वही करेंगे कि वी जस्ट राइट द काइनेटिक एनर्जी फॉर द होल सिस्टम, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई एस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अब यहां पे इक्विवेलेंट इनर्शिया का, हम जब भी इक्विवेलेंट इनर्शिया की बात करेंगे ना, तो हमारे जहन में आई होना चाहिए रोटेशनल. अगर ये ट्रांसलेशनल होता ना, तो मैं आपको कन्वर्शन बता रहा हूं. यहां पे ये इनर्शिया ना होता, यहां पे क्या होता? इक्विवेलेंट मास. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ट्रांसलेशनल इनर्शिया एंड रोटेशनल इनर्शिया, यू से मास to represent the translational inertia. And when you say inertia, that inertia by default should mean rotational inertia. So it means that we have to express this in terms of omega square. IS is already there. Or V ko main replace karunga L by 2 pi squared times omega. Wo bahar aa jayega. So jo aapke paas jo effective inertia hai, that effective inertia is IS plus L over 2 pi whole squared. ये बात समझ आ गई? So that was it. I need to finish earlier today because there is a meeting and I have to rush to that meeting, but I still can take 2 or 3 questions if you have. क्वेश्चन अगर आपका है, इस लास्ट क्वेश्चन में ऐसे पिछले में तो आप पूछ सकते हैं.